हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ रवि और आप देख रहे हैं रवि टेक ट्यू। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहाँ से करने चाहिए और कौन से बुक पढ़ने चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। जैसे यदि आप संस्कृत लिए हों, यदि आप इंग्लिश लिए हों, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप इंग्लिश लिए हों तो मैं सीधे बताना चाहता हूँ, बिना बात को घुमाए फिराए, कि आप अरिहंत का जो है प्रैक्टिस सेट, जो कि 2011 से लेकर 2018 तक के सभी सेट को दिया हुआ है, पेपर वन से लेके पेपर टू सभी के लिए, तो आप जो है अरिहंत पब्लिकेशन के सीटेट बुक को बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगर यही बात किया जाए, यदि संस्कृत है तो आप अदर पब्लिकेशन के ले सकते हैं, बशर्ते ये मैं इसलिए सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये जो पब्लिकेशन है काफ़ी हद तक अच्छा है। और NCERT बुक जो है आप अपने फ़ोन में रखें, उसका PDF रखें। हालांकि सभी बुक तो लेना मेरे हिसाब से हाँ सही ही रहेगा, क्योंकि उसका भी ज़्यादा प्राइस नहीं है, तो आप ले सकते हैं। और उसके बाद PDF डाउनलोड करने के लिए आप एक ई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे NCERT बुक के PDF आप लोग देखने को मिल सकते हैं। तो दैट्स ऑल, इसके साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।